आपने गाड़ियों का सेंटर लॉक देखा होगा, दूर से खुल जाती है बंद हो जाती है, लेकिन कांटे का भी सेंटर लॉक आ गया है, आपने कभी देखा नहीं होगा। राम राम भाइयों, आपका अपना मोनू गांव वाला एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने आए हैं। आज ऐसी मार्केट में जा रहे थे तो कुछ भीड़ लगी हुई थी, कुछ तुलाई हो रही थी गत्थों की, कबाड़ी गत्थे तोल रहा था। हमने उसके देखा गत्थे को तोलते हुए, हमें कुछ शक हुआ तो हमने अपने कांटे से उसको तोल किया। तो जब उसने गत्थे को तोला तो उसका तोल था 10 किलो और हमारे कांटे पे बैठा उसका 15 किलो। सीधा 15 किलो, 5 किलो का सीधा कांटा लगाया उसने। उसकी ट्रिक जब हमने देखी तो आप लोग भी देख के अचंभित रह जाएंगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये सब कबाड़ी इसको रखते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हमारे और भाई जो अपना सामान कबाड़ियों को भेजते हैं वो थोड़ा जागरूक हो जाए, अपने सामान को कम कीमत पर और लूट में ना बेच पाएँ। ये कांटा दिखाते हैं एक बार आप आपको। जब इस पर हम वजन डालेंगे तो 8 बता दिया, लेकिन कलाकारी कहाँ का होती है? कलाकारी होती है जेब से, उसके होते जेब से कलाकारी होती है। यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसे जेब से कलाकारी होती है। और जो हम चीज़ आपको अब दिखाएंगे आप देखकर बड़े अचंभित हो जाएंगे उस चीज़ को देख के। आपने गाड़ियों का सेंटर लॉक देखा होगा, दूर से खुल जाती है बंद हो जाती है, लेकिन कांटे का भी सेंटर लॉक आ गया है, आपने कभी देखा नहीं होगा। ये देखिए, ये है कांटे का सेंटर लॉक। जेब में कबाड़ी के होता है और वो तोलता हमारा वो सामान तुलता रहता है और वो जेब से इसमें कलाकारी कर देता है। इस पे हम आपको देखिए 1 किलो का बट्टा तोल के दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे होती इस पे कलाकारी। ये देखिए 1 किलो है, मतलब 5 ग्राम तो इधर उधर हो जाता है हवा हुआ के वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 1 किलो। अब हम किसको आपको कलाकारी करके दिखाते हैं आपको रिमोट के द्वारा। ये रिमोट है, देख रहे हैं मतलब 1 किलो पे 100 ग्राम का टाका लग गया। मान रहे हो आप, अगर आपने दिया 100 किलो तो 100 किलो पे कितने रुपए का टाका लगेगा? 10 किलो का। क्या भाई? 10 किलो का। 100 किलो पे 10 किलो का लगेगा भाई। तो मतलब इस वीडियो का हमने ना उस कबाड़ी को दिखाएंगे ना कुछ दिखाएंगे, हमारा मकसद सिर्फ इतना है इस वीडियो का कि हमारे जो भाई हैं लोग अपना जो सामान बेचते हैं वो कृपया जागरूक रहें जब सामान बेचें इस तरह के कांटे से। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब चूना लग गया, और ये हर कबाड़ी के पास होता है। ये कांटा देख लिए और जेब में रिमोट होता है और कलाकारी से होती चली जाती है।